हम देख रहे हैं आज मीम्स। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। Let's see। जन्नत जुबैर ने दो फोन्स में दिखाई कि उनके जो फॉलोवर्स है वो अलग अलग दिखा रहा है। यस, एक में दिखा रहा उनका 46.9 मिलियन, 47.1 मिलियन, 46.9 मिलियन, एक में दिखा रहा 47.1 मिलियन। वो लिखी, व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये इंस्टाग्राम को क्या हो गया। इंस्टाग्राम को क्या हो गया वो तो पता नहीं, बट मुझे आज पता चला कि जन्नत जुबैर के 46 मिलियन फॉलोवर्स है। आई मीन सीरियसली भाई, अब है तो है, देखो हम क्या करें, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारे तो नहीं बढ़ते। अब मुझे भी लगता है फोटोज डालनी पड़ेगी, अपनी शर्टलेस फोटोज, बॉडी बीडी दिखाना पड़ेगा, तब भी मेरे फॉलोवर बढ़ेंगे यार। तो ये क्या है, आलू, बेबी पोटेटो, पोटेटो पोटाटा, कच्चा आलू बेटा कहां गए थे, जा पूछ क्या। कुछ भी, मीटिंग माई फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, माई फ्रेंड। तुम मुझे नहीं जानते। नहीं जानता हूं, इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा। बोला ना कभी नहीं देखा है, तो फिर तुमने मुझसे पैसे कैसे लिए। कौन से पैसे? यस साला, ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। साला मुझसे पैसा लेकर कह रहा है, मुझे कभी नहीं देखा। ये सब दोस्तों का यही बात है, होगा पैसा का बात है सब। मैंने और जो पैसा लिया भाई, मैंने तेरे को वापस दे दिया था भाई पैसा, मेरे पास तो पैसा नहीं है भाई, पेमेंट आने वाला है, मैं बेटा भी देता हूँ भाई, दोस्त मेरे को देने वाला है, उसके बाद मैं तेरे को देता हूँ पैसा। क्या भाई, तो काय को लेते हो फिर भाई, मेरा उधर से आने वाला है पैसा तब मैं दूंगा, मेरा उधर से निकलने वाला है पैसा तब मैं दूंगा। अभिजीत, नहीं नहीं आप बताइए, ये क्या बात हो गई, लड़की हमारे अभिजीत भाई को सावला बोल दिया, इतना उम्मीद में बैठे थे, आउट ऑफ नोवेयर बॉम्ब गिरा दिया। अलमारी में आधार कार्ड ढूंढने गया था, चूहा निकला, उसकी जगह मेरा अडॉप्शन सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है भाई, अब जो भी है, अब कुछ बदल तो सकता नहीं है, बदला है जैसा है वैसा ही चल रहा है, तो जैसा है वैसा ही चलने दे। खाना मिल रहा है फुकट में खा। ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। कोई मर्दानी ताकत वाला जो औरत की आग को बुझा सके, अगर है तो कुत्तो आगे बढ़ो, मैं भी देखती हूँ तुम लोगों को टेढ़ी डूम की औकात याद दिला दूंगी। हाँ नाना, मेरा डकार निकाल दिया, नाना नहीं सॉरी परेश जी, व्हाट यू डूइंग मैन, व्हाट यू डूइंग। सुबह सॉल्ट, रात में सॉल्ट। सुबह डांडी, रात को डांडी। मारो बापू, मारो, अहिंसा से काम नहीं चलता बापू ये जमाने में, मारो मारो, कुत्ता ही से मारो, कौन है ये गोल्डबर्ग है, मारो मारो साले को। ये पूरा दुनिया अहिंसा पे चलता है आजकल, ओके, जो हिंसा कर सकता है वही टिक सकता है, जिसके हाथ में है दम वही है सिंघम, ओके। ब्रो थिंग्स ही इज खंडूड ऑन, यार सिद्धू पाजी के पापा भी सोच रहे हैं, अरे यार आस पास भी नहीं गा रहा है, बट कोई नहीं, ही अल कंफ्यूज बट ही गॉट द स्पिरिट। अरे यार नहीं भाई, सिद्धू मूसे वाला का ओरिजिनल गाना सुनने के बाद कोई गाना, कोई कवर सॉन्ग है ही नहीं भाई, वो एनर्जी, वो क्या बोलते हैं, वो फायर निकलता है एक मुंह से, पता नहीं है। ये रियल नहीं है ना, भजन गा रहे शायद ये लोग, क्या गाना भी ना डाल रहे हो भाई, आजकल जमाना बहुत खराब हो गया भाई, एआई आने के बाद तो कुछ समझ ही नहीं रहा क्या किधर क्या डाल रही है, इसमें एआई नहीं यूज हुआ है हालांकि, लेकिन समझ नहीं रहा है भाई क्या हो रहा है जमाने में, कौन किधर क्या एडिट करके डाल दे कुछ समझ नहीं रहा है। आंखों के प्यालों में कॉन्सेप्ट, ही इज एन एडीजे बॉय, ओके, टोन ऑफ दिस सेंटेंस,
He's an ADJ boy, aggressive, mischievous. He's angry. नहीं सर, ब्यूटीफुल सिर्फ फीमेल जेंडर को पड़ता है क्या? नहीं नहीं रोहित, ब्यूटीफुल किसी के लिए भी यूज हो सकता है. सिर्फ यहाँ पे इंडिया में ऐसा है कि सिर्फ लड़कियां जो हैं वो ब्यूटीफुल हो सकती है, लड़के हमेशा. सही बात है, सही बात है, सही बात बोला, एकदम सही बात बोला. लड़कों को क्यों ब्यूटीफुल क्यों नहीं बोलता? यू नो आई एम ब्यूटीफुल. कमेंट करो मेरे, थगेश इज ब्यूटीफुल. आज की वीडियो में स्पैम होना चाहिए, 1000 कमेंट थगेश इज ब्यूटीफुल. कर दो यार, कर दो यार, करना चाहिए. इंडिया में ऐसे होता है. मैं मोटी हूँ पर अगली हो ये किसने कहा? इतिहास के जानकार बनते हैं तो आप बताइए कि बाबर का सरनेम क्या था? आजम. अकबर का सरनेम क्या था? शाहजहां. अच्छा सॉरी, का सरनेम क्या था मालूम है आपको? हमें जो ये तो एक मिनट, क्या अकबर? ओ माय गॉड, मेरे को तो सरनेम मालूम ही नहीं. किसी जानकारी मिली है बड़े ही गुप्त सूत्रों के अनुसार. हाँ. इसके हिसाब से बाबर की सरनेम थी मोदी. सरनेम तो खैर कुछ भी हो सकती थी, लेकिन इनका नाम ही पूरा नाम बाबू भाई मोदी था. फिर उनका ये सार्कास्म है, ये रियल है. लड़का हुआ, इसका नाम हुआ हिम्मत भाई मोदी, जिसको आप हुमायूं कहते. रियल बोल रहे हैं या सार्कासम? इतना खतरनाक सार्कासम, कटाक्ष मार रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहा है. फ्रेंड, व्हाट इज योर वाईफाई पासवर्ड? मी कब तक खत 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 किस पासा किस पा कुछ किस पासा किस पा उम्मीद उस पा तबत तबत कुसी कुसी के कुसी गुरसेत कुसी 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 ले लो मेरा पासवर्ड. गुरसेत कुसी न कुसी के गुरसेत किन कुसी वो बीसी 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 बोल रही है. हटाओ यार, क्या है? कहा है तो चरकोट मार दो भैया. ये क्या? ऑगी लव्स जैक? ओए तू भी मुझसे प्यार करता है? हाँ भैया बिल्कुल. हाँ भैया. तू ऐसा मत किया कर. क्यों भैया? जब तू ऐसा करता है मुझे गुस्सा आ जाता है, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा. ये कुत्ता सोसाइटी में नहीं रह सकता. किसका? कौन वाली? तो फिर ये पट्टे लेकर क्यों आया? और वो भी दो दो. अरे वो बबीता जी और दया. I'll pass on that. श्रेयस भाई, अय्यर भाई, अय्यर भाई, ये गलत है यार. इतने लोग खड़े दूध तो इंडिया का भी पी सकता है लेकिन हॉलैंड का पीता पता क्यों? क्यों? क्योंकि इंडिया के भैंसों ने देना मना कर दिया. भाई ये रोस्ट बहुत बढ़िया होता था भाई. प्रॉब्लम है, भैंसों की जो बॉस है ना वो आप है, तो आपने ये किया. Bro, never hesitates. 2023 के 8 महीने वेस्ट कर दिए. वेस्ट कर दिए. थगेश शो बनाया 8 महीने मैंने, और क्या बनाया. नया एपिसोड आ गया थगेश शो का, मुंबई का, निखिल जट, प्रभजोत और एमएसके के साथ. जाके देखो ये बंदे को, देखो ये बंदा क्या वाइब कर रहा है. ये छोटू का तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया. ये देखो स्विमिंग कर रहा है खड़े खड़े. अभी जो शो कर रहा है नंबर 1 शो. व्हिच शो? हां व्हिच शो, जिसके बारे में आप लिखते हो कि भाई तेरे को एक्टिंग नहीं आती. हां नहीं आती तेरे को एक्टिंग. एक्टिंग बारे में क्या? जो बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं उनको क्या बोलोगे? इस पे मैं 4 पंक्ति गाना चाहता हूँ. 4 पंक्ति? बोया पैर बबूल का था आम कहाँ से हो, चिपको रहेगे मोबाइल में तो काम कहाँ से हो. होमलैंडर इज द बेस्ट बट इट्स अ बॉम्ब. ओके ओके, ये रबर भाई, इसकी क्या खुशबू आती थी. ओ ये टाइट 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 या या ब्लू येलो पिंक. व्हेन यू शो हर योर म्यूजिक टेस्ट. अरे अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मेरा राजा. अरे अरे
मेरी जान आजा। पहले गणपति में एक गाना बजता था, गणपति हो, किसी का शादी हो, बड़े बड़े डीजे आते हैं ना ट्रक पे, उस पे एक गाना बजने का। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी टीम हमारी लंबी है सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट, छोड़ेंगे नहीं, देखो या ना। अब बड़े होके मालूम पड़ रहा है मेहनत तो बिल्कुल थी नहीं ये लिखने में। राज ठीक है भाई, ये ड्रोन उड़ा रहा है क्या? नहीं नहीं, अच्छा नाम है राज, वेरी गुड। मुझसे दोस्ती करोगे राज? नहीं। मतलब? मतलब मेरी दोस्ती किसके साथ ज्यादा दिन चलती नहीं है, सब मुझे कुछ ही दिन में फिर से अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अस ब्रो अस, अस राज, अस राज, दुनिया मतलब ही है, क्या करे, सब मतलब ही है। बीट्रे और बार्बर और गो टू जेल बॉयज। नहीं भाई, नाई को कभी धोखा नहीं दे सकते हम। एक बार जो नाई से बाल कटा लिए वो नाई के पास वापस जाना ही पड़ता है, तो अगले महीने अगर किसी और नाई से कटाया और उसने देख लिया तो धोखा हो जाता है यार, तुम समझ नहीं रहे हो लड़कों की बात। एक ही सलों में अगर दूसरे नाई से बाल कटवा रहे तो हमको पता है कितना बुरा लगता है, हमको लगता है अरे यार भाई भाई यार कुछ कर तू, ये क्या कर रहा है भाई भाई, हेलो भाई, हेलो भाई साहब भाई साहब, उनसे रिलेशनशिप होता है। सो अगर सेंटा एक्चुअली रियल होते तो आप सेंटा से क्या एक चीज मांगते? बच्चे हमारे लिए भी कुछ छोड़, ब्रो हमारे लिए भी कुछ छोड़ो, सब लड़कियां ले जाओगे? किसे पैसे क्यों नहीं लिए तूने? कराची गैराज है क्या ये? टार्ज़न द वंडर कार। मैकेनिकों को स्क्रू टाइट करने की पगार देता हूँ मैं। इस गैराज के अंदर जब गाड़ी एंटर होती है ना तो 500 रुपए चार्ज होते हैं, पता है तुझे? पाजी पहचान वाली थी। अरे पहचान वाली थी तो घर पे जाके उसके स्क्रू टाइट करना। समझा समझा, ओके उसके घर पे आके उसके गाड़ी के स्क्रू टाइट कर। बॉय स्टेशन म्यूजिक इज सो बैड इट्स वियर्ड। पबजी में लौंडिया फसा लई, सचिन ने अपने दिल में बसा लई। सचिन साला गाने बनने लग गए लप्पू। अक्षय जी क्या? केकड़ा जी मैंने तुम जैसा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा। भाई म्यूजिक ही चला ले, तुम म्यूजिक ही चला लो साला, तुम्हारा डायलॉग तो सुनाई नहीं दे रहा, म्यूजिक इतना सिग्मा लगा के रखा है। आईना देख लेते सरकार। क्या ही रोस्ट मारा है भाई। स्पोकन इंग्लिश इन 10 डेज। आई लव वेरी मच वेरी मच वेरी मच, यू टोल्ड माय देम ओल्ड अगेन ओल्ड अगेन ओल्ड अगेन, नो 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 नो, ऑन माय सिक्योर पॉइंट, टू दिस ऑन हिज रोड, बिकॉज यू लव मी देम एंड नॉइज 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 कुड नॉट बी देम। मेरा भी इंग्लिश ऐसा ही है ब्रो। आई थिंक दैट्स इट गाइस, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, थगी शो का नया एपिसोड आ गया है यहाँ पे, टैप करके देख लो अभी जाके, आ जाओ सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।